सुपरफास्ट फ्यूचर्स के क्लोजिंग एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिंपी कालरा। थोड़ी देर में अंतिम बाजी शुरू होगी, ठीक उससे पहले अंतिम बाजी और बाजार की क्लोजिंग से पहले सबसे भरोसेमंद शो है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं, आप इन लेवल्स को समझकर अपने ट्रेड को बना सकते हैं कि कैसे फायदे की कॉल्स को हम घर लेके जाएं यानी कि कैरी कर सकते हैं और घाटे को बाजार में ही छोड़ के बाहर निकल जाना है। तो इस कार्यक्रम में दो मेहमान होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है। मेघना मलकान होंगे हमारे साथ फोन लाइन पर जिनसे हम समझेंगे कि ओवरऑल कैसे ट्रेड किया जा सकता है। आशीष और साथ ही मेरे साथ किरण जाधव भी होंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बढ़ने वाले शेयर्स अपनी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। आज डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स के अंदर काफी स्ट्रांग मूवमेंट है। हालांकि आज डॉक्टर रेड्डीज ही नहीं चल रहा, ज्यादातर फार्मा कंपनीज बाजार को हेल्प कर रही हैं, बाजार में इस लेवल पर चलने लगी हैं। ल्यूपिन हो चाहे ग्रेनुलर्स हो, इन सभी के अंदर स्ट्रांग मूव है। कंटेनर कॉर्पोरेशन, HPCL जैसे शेयर्स भी आज काफी स्ट्रांग मूव दिखा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी दो तीन दिन की तेज गिरावट आई जब नी रिप्लेसमेंट की खबर बाजार में उतरी, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल की तेज पिटाई हुई थी, लेकिन आज रिकवरी भी उतनी शार्प है। इस तरह के मार्केट के अंदर भी 3% ऊपर है। IRB इंफ्रा और हिंडालको का फ्यूचर्स भी आज अच्छा मूव दिखा रहा है, लेकिन जो गिरने वाले शेयर्स हैं उसमें इंडोकाउंट, टिपिकली जैसे जैसे एक्सपायरी के पास हम जाते हैं ये शेयर बड़ा वॉलेटाइल हो जाता है और इंडोकाउंट अभी 7% की गिरावट के साथ है। DLF के अंदर करीब 4% की गिरावट है। सिंटेक्स में करीब 4% के आसपास की गिरावट है। DLF तो एकाएक टूटा है, अभी हम समझेंगे इसी कार्यक्रम में DLF के अंदर एक्चुअली क्या होना चाहिए। REC और अपोलो टायर, रिलायंस कैपिटल, ये कुछ एक दबाव में देखने को मिल रहा है। इन सभी के अंदर आज कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए, मेघना मलकान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, किरण जाधव हैं और साथ ही साथ आशीष चतुर्मोता से भी हम बातचीत अभी करेंगे, समझेंगे कैसे ट्रेड किया जा सकता है। पहले एक बार जरा पांच बातें भी आप देखिए जो इस समय बाजार के अंदर बड़ी अहम है। सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हैं, जो भी हमने थोड़ा रीड किया उसमें से भी एक दो चीजें, इसमें विक्स का पॉइंट आएगा जो 6% गिरावट है। ये हमने आपको कहा था कि विक्स आप स्क्रीन पर लगाइए रखेगा, जब जब विक्स टूटेगा आपको कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ना चाहिए और ये बढ़ भी रहा है। अभी 44 अंक ऊपर है निफ्टी। किरण जाधव इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, आपकी रिकमेंडेशन क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? देखिए, आज का ट्रेड ना बड़ा वॉलेटाइल है। आज हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पुलबैक को हम पुलबैक बोलें या इस बाजार की गिरावट में जो भी आज थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर से टूट रहा है इसको ज्यादा नोटिस रखें। जरा बताएंगे क्या करना है हमको? बिल्कुल डिम्पी जी, मेरा मानना है कि ये वॉलेटिलिटी लाजमी है क्योंकि हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं, तो ये 6 महीने का जो ट्रेंड लाइन वैल्यू है उसके नजदीक जैसे आते हैं वैसे हम देखेंगे कि बुल्स भी एग्रेसिव हो जाएंगे क्योंकि सस्ता हो गया। उसके साथ अगर जो जिन बेयर को लगता है कि अभी सिर्फ गिरावट चालू हो गई वो बीकवाली करेंगे, तो इस बीच में हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, पर फिर भी जो ट्रेंड है उसके साथ ही जाएंगे, जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है उसके साथ जाएंगे। इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन है और मैं सेल करने की सलाह दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 9820 का रहेगा और मेरा मानना है कि ट्रेंड लाइन वैल्यू जो है 9720 वो टेस्ट करते नजर आएंगे कल तक। ठीक है, किरण का व्यू आपके सामने है, 9720 तक एक बार बाजार आ सकता है फिसल के, लेकिन शायद यहाँ से फिर पुल बैक दिखा दे, तो इसलिए आपको 9700 जो हम सुबह से बता रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। 9800 के ऊपर जितना बाजार रहेगा उतना उसका कंफर्ट जोन आएगा और कंफर्ट का लेवल एकदम से सुप्रीम हो सकता है, बढ़ सकता है जब ये 9820 के भी ऊपर आ जाएगा। आज सुबह हमको हेमंत भी यही बात समझा रहे थे। तो निफ्टी के अंदर भले ही 50 पॉइंट का स्विंग है लेकिन ये स्विंग आपके कॉन्फिडेंस को उतार चढ़ाव करने वाला भी है। मेघना मलकान है मेरे साथ। मेघना, क्या करना चाहिए मार्केट में? किरण कह रहे हैं थोड़ी वीकनेस है, आपका व्यू क्या है? यस, गुड आफ्टरनून। मेरा मानना है कि यस, हम लोग जो कंसोलिडेशन है उसके नीचे के जोन में ट्रेड कर रहे हैं। इट इज एक्चुअली मेक और ब्रेक सिचुएशन बिकॉज हम देखेंगे कि नीचे मल्टीपल टाइम्स पे यही लेवल पे सपोर्ट लेके निफ्टी और बैंक निफ्टी चल रहा है, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वेट फॉर कि ये थर्सडे को क्लोजिंग कहाँ आ रही है, वीकली क्लोज कहाँ आ रहा है। अगर वीकली क्लोज नीचे के स्तर पे आएगा दैट विल डिनोट फर्दर वीकनेस और नेक्स्ट वीक अगेन इट विल बी अ कॉशियस वीक। और यहाँ से अगर हमें स्ट्रॉन्ग फीडबैक देखने मिला है दैट मीन्स हमें ऊपर के स्तर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई देगा, सो दिस इज एक्चुअली मेक और ब्रेक सिचुएशन। ठीक है, 9850 आपका टारगेट है, इट्स अ मेक एंड ब्रेक इशू है अभी, लेकिन मेघना का अगर आप स्टॉप लॉस और किरण का टारगेट देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट वो मैच कर जाएगा। मेघना का टारगेट और किरण का आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो वो मैच कर जाएगा। दोनों के प्लेट दिखाइए एक बार,
ये किरण की रिकमेंडेशन आप देखिए 9720 तक है, सेल है, लेकिन जैसे हम मेघना की स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं होल्ड वाली, भले बाय नहीं है, होल्ड वाली स्ट्रेटजी पे आते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 9700 का हो जाता है। इसका मतलब 9700 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब 9820 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, दोनों के स्ट्रेटजी से पता लगी है। आपके कॉन्फिडेंस के लिए हम ज्यादातर एनालिस्ट को जोड़ते हैं और समझते हैं। किरण, अब मेरे को जरा बैंक निफ्टी का भी जल्दी से डाटा बताइए, उसमें कैसे ट्रेड करना है? ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रहा है और 24,000 के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, पर मेरा मानना है कि इवेंचुअली 2400 टूट जाएगा। जैसे कि हमने देखा इसमें आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहा है और मेरा मानना है कि इस नेगेटिव डाइवर्जेंस के चलते इधर भी रिकवरी करके चलना चाहिए। 24100 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 23830 के लेवल्स टेस्ट करेंगे, पर ये अगर इसके नीचे चलते हैं तो बहुत बारीक गिरावट आपको देखने में मिल सकती है। ठीक है, देखिए आप 24100 का एक स्टॉप लॉस दे रहे हैं किरण, आप यहाँ पे शॉर्ट हैं तो ठीक है, आपकी अच्छी बात है, लेकिन आज बैंक निफ्टी बार बार कोशिश कर रहा था 24,000 के ऊपर आने की, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिए। शॉर्टिंग में आपका 23,830 तक का टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस भी 24,100 का रखना चाहिए। इस समय बैंक निफ्टी ऐसे लेवल पे आके खड़ा हो गया है कि आपके टारगेट और आपके स्टॉप लॉस को हिट करवाने में ये एक घंटा भी नहीं लेगा, ये पूरे दिन का नहीं होगा, ये एक घंटा भी नहीं लेगा, इस लेवल पे आके निफ्टी, बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है, तो इसलिए जो भी आप ट्रेड करें थोड़ा सा संभल कर करें। मेघना, आपकी रिकमेंडेशन क्या है बैंक निफ्टी पर? यह मैं बैंक निफ्टी का भी यही मानना चाहूंगी कि एक नीचे का सर पे अच्छा सा सपोर्ट बना लिया है, नेवर्थलेस 24,000 इज अ वेरी डेलिकेट सपोर्ट कंपेयर टू द निफ्टी सपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेंड की तरफ है, इसलिए इट लुक्स लाइक दैट सपोर्ट इट इज वेरी डेलिकेट टू होल्ड। Nevertheless, 24,000 क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीकली क्लोज अगर 24,000 के नीचे देता है देन अगेन वी हैव ये पूरी ट्रेंड रिवर्सल देखने मिलेगी फॉर अ शॉर्ट टर्म, और अदरवाइज होल्ड किया तो डेली 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो आ रहा है 24,600 पे, दैट कुड बी द नेक्स्ट टारगेट, तो ये 24,000 का लेवल देख के चलेंगे। ठीक है, 24 लेवल का देख के चलेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है 24,000 का लेवल, हालांकि बाय नहीं है, इट्स अ होल्ड रिकमेंडेशन, दोनों पे ही है, निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर बाय तो नहीं करना है, लेकिन कन्विक्शन यहाँ पे भी आके रुक रहा है, अगर ये पहले एक बार देखना है, वेट एंड वॉच, पहले वॉच करनी है, वेट करना है, उसके बाद किसी तरह का ट्रेड लेना है, तो मेघना के रिकमेंडेशन दोनों अभी रोक के देखने की है बजाय शॉर्ट या फिर लॉन्ग करने के, लेकिन किरण थोड़ा एग्रेसिव है और बेयरिश भी है, इसलिए उनकी बैंक निफ्टी और निफ्टी हमको शॉर्ट में आके मिल गया। मैं बिल्कुल स्टॉक्स पे आ रहा हूं, किरण आपके आज के शेयर कौन से, मेरे को ये बता दीजिए। पहला स्टॉक होगा मदरसन सुमी, जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और मेरा मानना है कि ये इजीली निचले स्तर दिखाएगा, 305 का टारगेट रहेगा और करीबन 317 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि करीबन मेरा टारगेट आ ही चुका है, मैंने 15-20 मिनट पहले कॉल दिया था, तब 312-13 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, तो मैं टारगेट और स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहूंगा, मेरा स्टॉप लॉस अभी रहेगा 313 का और टारगेट्स के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं लेवल्स ऑफ 303-301। ठीक है, मैं 300 कर लूं टारगेट इसका? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, 300 का हमने टारगेट कर लिया सर, 313 का एक स्टॉप लॉस कर लिया, रिवाइज प्लेट अभी आपके सामने आ चुकी है, अगर आपने सौदा अभी बनाना है तो अभी भी आप बना सकते हैं, शॉर्ट पहले से ही है तो आप इसमें रह भी सकते हैं, 300 का टारगेट है और 313 का एक स्टॉप लॉस है, ये रिस्क, अब रिस्क रिवॉर्ड आपका बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। मेघना, आपकी तरफ से रिकमेंडेड शेयर कौन सा है? कोटक बैंक पे बाय कॉल देना चाहूंगी, अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो कोटक बैंक एक अच्छे सपोर्ट पे है, अच्छे लेवल ऑफ चेंजिंग पोलैरिटी पे भी है, मोमेंटम अच्छे सपोर्ट पे है, डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम बहुत ही कम देखने मिले हैं, तो पॉजिटिव साइड बाय से कोटक बैंक पे बाय तो कॉल देना चाहूंगी, स्टॉप लॉस 965 का रख सकते हैं और टारगेट 995 का एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, 995 का एक टारगेट है, 965 का एक स्टॉप लॉस है, वैसे तो टिपिकली इस शेयर के अंदर हमको 1000 का लेवल हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट पहले 1000 के लेवल देगा, उसके बाद इसमें दूसरे लेवल्स के बारे में सोचा जाएगा, तो पहले 995 टारगेट ही रखिए और 965 का एक स्टॉप लॉस है, रिस्क काफी बेहतर है, 4-5 रुपए ये नीचे तो आप एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। आशीष चतुर्मोता भी इस बीच में साथ जुड़ चुके हैं, आशीष आप निफ्टी और बैंक निफ्टी भी कोई ट्रेड करेंगे या फिर नहीं करेंगे? मुझे लगता है अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है और नीचे में 97 क्लोनते एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, सेम टाइम पे 98-50 टाइम काफी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी कोई बड़ा ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। 97 मार्केट के लिए अहम सपोर्ट है, ये आप लिख सकते हैं,
97 मार्केट के लिए अहम सपोर्ट है, 9850 मार्केट के लिए अहम रेजिस्टेंस है। ये दोनों पार यानी कि 9700 या तो टूट जाए या तो 9850 ऊपर आ जाए, उसी कंडीशन में बाजार एक बड़ा मूव की तैयारी करेगा। फिलहाल इसे 150 पॉइंट में फंस गया है, ऐसा आशीष की रिकमेंडेशन है। 97 इज अ बेस, 9850 इज अ रेजिस्टेंस है। आपका शेयर कौन सा आशीष? देखिए सबसे पहले मैंने पेज इंडस्ट्रीज चुना है क्योंकि स्टॉक बहुत एक अच्छा डील बना चुका है, लास्ट 4 हफ्तों से पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है ब्रेकआउट की भी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए 17,100 के नीचे का जोड़ से स्टॉक रखते हैं तो ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक के अंदर पोटेंशियल 17,700 से 17,800 के लेवल को ऊपर में छूने का। पर हालांकि मैं एक और यहाँ पर डिस्क्लेमर देना पसंद करूँगा कि क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं अभी एक साइड बहुत ही सुस्त कारोबार है तो बड़ी हैवी पोजीशन अभी किसी भी चीज में बनाना मैं एडवाइजेबल नहीं रहेगा, छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए और मुझे लगता है पेज इंडस्ट्रीज एक अच्छा लॉन्ग के लिए काउंटर नजर आता है। ठीक है, पेज इंडस्ट्रीज है। दूसरा शेयर भी मेरे को दे दीजिए आशीष आप। दूसरा काउंटर हमारा पुराना एक फेवरेट कंटेनर कॉर्पोरेशन है जिसके अंदर में हम करीब 1170 से लॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बिल्डअप पोजीशंस का हमें नजर आ रहा है, लास्ट 4 दिनों में पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी स्टॉक के अंदर नजर आ रहे हैं। तो 1230 के स्टॉप लॉस के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई है, ऊपर में मुझे लगता है ये स्टॉक 1300 के स्तरों को क्रॉस करेगा और ऊपर में 1320 से 1330 तक की अपसाइड आने वाले 3-4 दिनों में कंटेनर कॉर्पोरेशन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, आशीष के रिकमेंडेशन यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, 1330 तक का टारगेट है, 1230 का एक स्टॉप लॉस है तो कंटेनर कॉर्पोरेशन यहाँ पे प्लस कॉल है, बाय कॉल है। अच्छा आशीष, एक ऑप्शन का ट्रेड मैं आपसे जानूंगा, एक मिनट आप लाइन पे बने रहिएगा। मेरे साथ किरण भी है और मेघना भी है। किरण आपकी तरफ से कोई दूसरा ट्रेड मेरे को चाहिए, एक शेयर आप अभी ऑलरेडी मेरे को दे चुके हैं, मदरसन सुम्मी। डीएलएफ पे शॉर्ट जाने की सलाह होगी, काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं, करीबन 8% की राइज देखने को मिले, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिरावट देखने को मिल रही है और जो हमने पुल बैक देखा था 155 से 185 का, उसका करेक्शन वापस चालू हो गया ऐसा दिख रहा है। तो मेरा मानना वीकनेस है, स्टॉप लॉस 178 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए 162 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। 162 तक का टारगेट है, डीएलएफ शॉर्ट करना है, 178 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। ठीक है मेघना, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने जो कॉल्स दिए ना उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी तो आप होल्ड करवा रहे हैं, आपने जो हमको ट्रेड दिया कोटक महिंद्रा बैंक दिया है, कोई ऑप्शन का ट्रेड है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप शुक्रिया, आप फ्री हैं। ठीक है, ऑप्शन की कोई स्ट्रेटजी नहीं। मेघना शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दो कॉल्स हैं उनकी होल्ड की है लेकिन एक बाय की कॉल है कोटक महिंद्रा बैंक, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। अब किरण की दोनों कॉल्स एक बार वापस दिखा दीजिए, दोनों उनकी सेल कॉल हैं, जिनको सेल कॉल चाहिए उनके लिए डीएलएफ है और साथ ही मदरसन सुम्मी है, या आप नोट कर लीजिए, सारे लेवल्स भी नोट कीजिए, ये टेक्निकल लेवल्स है। ऐसा नहीं हो कि आपने इसको शॉर्ट कर दिया और आपने स्टॉप लॉस तो रखा ही नहीं और आप ये कहें आपने तो हमको शॉर्ट बताया था ये तो अब ऊपर आ गया, तो इसलिए जब स्टॉप लॉस आए तो स्टॉप लॉस कटवाएं भी, इसी मार्केट का ये सबसे पहला नियम है, आए तो आप कटवाएं स्टॉप लॉस, टारगेट आए तो आप बुक करके बाहर भी आए। आशीष अब आप मेरे को अब ऑप्शन का एक सौदा बताइए। आशीष सुन पा रहे हैं आप मेरे को? आशीष चल ठीक है, अभी उन तक आवाज नहीं पहुंची। किरण आपके पास कोई ऑप्शन का ट्रेड है? बिल्कुल है, सीएड में अगस्त का 1600 का पुट ऑप्शन जो 25 रुपए के करीब मिल रहा है वो लेने की सलाह है, स्टॉप लॉस 20 रुपए लगाना है और टारगेट्स के लिए 45 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकली ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स इसने आज तोड़े है, 1660 का लेवल था वो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ और उसके साथ डेरिवेटिव डेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा मानना है कि ये लेवल्स जो आ रहे हैं मेरे टेक्निकल लेवल्स जो आ रहे हैं वो करीबन आ रहे हैं 1560 के, तो अगर 1560 के मेरे फर्स्ट टारगेट्स आते हैं तो मेरा जो प्रीमियम अभी जो 25 रुपए का है वो 45 रुपीज इजिली हो जाएगा, उसके शायद ऊपर भी मिल सकेगा। ठीक है, ऑप्शन का सौदा आप ये नोट कर ले, 1600 के पुट है, 25 रुपए में आपको लेनी है, 45 का टारगेट, 20 का स्टॉप लॉस है। आशीष से हम संपर्क तो करें लेकिन वो कॉन्टेक्ट हमारे साथ उनका संपर्क हो नहीं रहा है, उनकी मैं ऑप्शंस का ट्रेड आपको बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ उनका ट्रेड कौन सा ऑप्शन का। एक बार आप दिखाइए, DHFL है शायद वो कॉल यही देना चाहते थे दीवान हाउसिंग की, और दीवान हाउसिंग 460 की कॉल वो कह रहे हैं एक बार इसको प्लस किया जा सकता है,
9.5 रुपए में मिलेगी, 18 का टारगेट है, 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। तो आप नोट कर लें दोनों ही ऑप्शंस कॉल, एक तो आशीष की दीवान हाउसिंग की कॉल है और एक सीएट की किरण की कॉल है। कम पैसे में अच्छा मुनाफा मिलता है ऑप्शंस के जरिए, दोनों के डाटा आप नोट कर लीजिए। ये दोनों के दोनों कॉल्स आपको जरूर फायदा पहुंचा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ सारी कॉल्स हमने आपके सामने रख दी है। एक बार मैं जल्दी से रिटर्न कार्ड रख देता हूं, उसके बाद एक और फायदे की खबर भी आपको बतानी है, वो इन्फोसिस से कैसे मिलेगी। लेकिन पहले मैं जरा रिटर्न कार्ड आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां सुबह की कॉल्स हमने आपके सामने उतारी थी। और आप इस कॉल्स का ना केवल इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, देखिए आपके सामने है। आज बाजार वॉलेटाइल है, कुछ लोग इसको सुस्त कहते हैं, कुछ लोग इसको कमजोर और कुछ लोग इसको आज ठहराव का बाजार कहते हैं। लेकिन कोई कुछ भी कहे, आपका रिटर्न कार्ड कम से कम 15,000 से 20,000 का रोज बनना चाहिए, यह हमारी कोशिश होती है। लुपिन पिरामिल एंटरप्राइजेस, सेल बाय, सब तरह की कॉल्स हैं। ऑप्शन का सौदा एक्सिस बैंक का हमने आज को हिम्मत दिया था आपको, वो भी हिट हुआ 1500 में, वहां से भी आए। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सुबह सुपरहिट कॉल्स आपको मिलती है बाजार खुलने से ठीक पहले, और हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बाजार खुलने के बाद का करते हैं। तो आप इस पे शेयर बाजार लाइव में जुड़ के आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के और इस सारे प्रॉफिटेबल कॉल्स का फायदा उठा सकते हैं। जैसे ठीक अभी हमने अंतिम बाजी से पहले भी आपको कुछ कॉल्स दी हैं, अब एक और फायदे की कॉल्स भी आपके सामने रखते हैं। मेरे साथ संदीप जुड़ चुके हैं, आपको इन्फोसिस से कैसे फायदा मिलने वाला है ये बताने वाले। संदीप, हमने काफी सारे ट्रेड बताए लेकिन इसमें इन्फोसिस नहीं बताया, आप बताइए इन्फोसिस से फायदा कैसे मिलेगा। इन्फोसिस तो शायद आपको आज सुबह 7:30 बजे फास्ट मनी में बताया गया था कि आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। इनफैक्ट ना केवल आज के लिए डिम्पी, ये जो कॉल है वो पोजिशनल तौर के लिए बताई गई थी, और बायबैक का जो ट्रिगर है वो पोजिशनली स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखेगा। खासतौर पर जो रिटेल निवेशक है, अगर उनके पास शेयर है, अगर वो लेना चाह रहे हैं तो भी खरीद के भी बायबैक में टेंडर कर सकते हैं, तो उनको काफी बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। देखिए 11.3 करोड़ शेयरों का बायबैक है, जिसमें से 15% रिटेल निवेशकों के लिए निर्धारित है, तो उसमें से 1.7 करोड़ शेयर जो हैं वो रिटेल के एक्सेप्ट किए जाएंगे। कुल मिला के एक से 200 शेयर अगर आपके पास हैं तो वो रिटेल की कैटेगरी में आते हैं, और उसकी संख्या अगर आप देखें तो 2.8 करोड़ है। तो उसके हिसाब से अगर आप आंकलन करें, जो 1.7 करोड़ शेयर रिटेल के टेंडर होंगे उसका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो करीब 59% के आसपास आता है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो अगर आप बायबैक में टेंडर करेंगे तो 59 शेयर आपके एक्सेप्ट होते हुए दिखेंगे। एक कैलकुलेशन भी आपको बता देते हैं, ये 100 शेयरों की अगर आप कल का प्राइस देखें उन्हीं लेवल्स के आसपास आज भी भाव देखने को मिल रहा है, तो आप 100 शेयर खरीदेंगे 87,350 रुपए के, 59 उसमें से अगर टेंडर होंगे 1,150 रुपए के दाम पर तो 67,850 रुपए तो आपको बायबैक से ही वापस आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपका जो रिटर्न है वो करीब 32% के आसपास होगा। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि आप टेंडर कर रहे हैं तो 15% के आसपास का टैक्स भी लगेगा, तो करीब 2,500 के आसपास की आपको टैक्स देनदारी देनी होगी। लेकिन उसको भी अगर आप निकाल दें तो करीब 17,000 के आसपास की जो आपको गेन है वो इसके चलते देखने को मिलेगा। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न भी अगर आप देखें केवल बायबैक से ही करीब 27% के आसपास आता है। अब आप कहेंगे 59 शेयर तो टेंडर हो गए, लेकिन जो बाकी बचे 41 शेयर उनका क्या? उनके अगर आप देखें, जो रकम आपने लगाई थी 87,350 रुपए की, उसमें से अगर आप बायबैक का प्राइस निकाल दे जो आपके पास आ रहा है, तो केवल 19,500 रुपए के आसपास की रकम बच रही है। तो इन 41 शेयरों का दाम जो है वो 19,500 रुपए के आसपास बनता है। उसके लिहाज से अगर आप देखें, जो औसतन कीमत एक स्टॉक की बैठती है जो बाकी बचे 41 शेयर हैं वो करीब 475-476 के आसपास बनती है। अगर फर्ज कर लीजिए बहुत बड़ी गिरावट भी इन्फोसिस में आ जाती है, 500 तक भी शेयर चला जाएगा तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप बायबैक का ट्रेड लेते हैं। यानी कि यहां से भी अगर आप 100 शेयर खरीद के चलते हैं और इन्फोसिस 500 तक भी गिर जाए तो भी आपको कोई नुकसान यहां पे नहीं होगा। और अगर इन्हीं स्तरों के आसपास शेयर रहता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो बाकी बचे 41 शेयर हैं उस पे आपको करीब करीब 400 रुपए के आसपास का मुनाफा बैठा हुआ है। तो बायबैक का फायदा भी होगा और लंबी अवधि के लिए जो बाकी 41 शेयर बचेंगे उससे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। ठीक है, जो मैथ्स में कमजोर है ना उनको भी चिंता करने की बात नहीं है, उनके लिए भी बिल्कुल सपाट और सीधी लाइन है कि बायबैक के शेयर 100 ले लीजिए, 500 तक में तो कोई घाटा नहीं है, और जैसे 100 शेयर लेंगे आपको फायदा मिलेगा। आप इतनी कैलकुलेशन में नहीं भी जाएंगे तब भी आप फायदे में ही रहेंगे, क्योंकि इतनी सरल भाषा में शायद ही आपको कोई और समझा पाए। शुक्रिया संदीप आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इन्फोसिस का फायदा जरूर उठा सकते हैं आप, ये हमारी एक कोशिश थी जो कि आपके सामने हमने कैलकुलेट करके रखी है।